गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी टॉक अबाउट द एज चैप्टर थर्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन। इन चैप्टर थर्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन वी टॉक अबाउट द एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर मीन्स पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स लिव्स इन ए पर्टिकुलर एरिया और कंट्री of a different age groups, means variations in the age group, categorize the age group of the population. There are three age group of the entire population, 0 to 14 years. The children or the youth population, 0 to 14 years are the youth population, and यूथ पॉपुलेशन हैव दी हाई बर्थ रेट। की हाई बर्थ रेट, बर्थ रेट ज़्यादा होगी, इसका मतलब वहाँ पर अगर 0 से 14 साल के बच्चे ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ की बर्थ रेट वेरी हाई है। सेकेंड कैटेगरी और सेकेंड एज स्ट्रक्चर इज द 15 ईयर टू 59 ईयर्स। बिटवीन द एज ग्रुप 15 to 59 ईयर्स द लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन। तो दिस structure is called the working population. And if any country or any area have the large population between the 15 year to 59 year, it means there are large number of people in a working age. And the third group is above to 60 years. Aging population. Aging means कि वहाँ की पॉपुलेशन में मोर देन 60 ईयर्स पीपल्स की नंबर ऑफ पीपल वहाँ ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है। इट मीन्स द मोर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। वहाँ पर अगर एल्डर पर्सन्स ज़्यादा हैं, ओल्डर एज वाले ज़्यादा हैं, इसका मतलब वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ पर मोर एक्सपेंडिचर करना होगा। अगर किसी कंट्री में 0 to 14 ईयर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ बर्थ रेट वेरी हाई है। अगर वहाँ पर 15 to 59 ईयर्स की एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, इसका मतलब वहाँ बर्थ रेट कंट्रोल में है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है। बट इफ देयर इज ए लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन अबोव टू 60 ईयर्स, और जनरली इन द वी सी इन द डेवलप्ड कंट्रीज द ओल्डर एज ग्रुप इज मोर देन द अदर एज ग्रुप, इट मीन्स कि यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर अगर ये पॉपुलेशन का पार्ट ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है और वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव्ड हैं, तथा वहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम हैं। सो दिस इज द एज स्ट्रक्चर। नाउ एज सेक्स पिरामिड, कि पॉपुलेशन को अगर हम पिरामिड की तरह शो करते हैं, उस पिरामिड में एक तरफ मेल पॉपुलेशन और एक तरफ फीमेल पॉपुलेशन होती है। लेफ्ट साइड में मेल पॉपुलेशन और राइट साइड में फीमेल पॉपुलेशन। ये जो पिरामिड है एज और सेक्स का, तो इस पिरामिड में 0 ईयर से स्टार्ट करते हैं, 0 to 2 ईयर्स यहाँ पर लिखे हुए होते हैं, और उस ईयर्स में वो पॉपुलेशन जो है एज ग्रुप वाले, वो मेल और फीमेल दोनों का सेपरेट है। एज स्ट्रक्चर में देर इज नो सेपरेशन बिटवीन द मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन। इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन। बट इन एज सेक्स पिरामिड, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, मीन्स यहाँ पर ग्राफ में हम शो करते हैं कि 0 ईयर 10 ईयर 20 ईयर की एज ग्रुप वाले हैं, उसके नंबर ऑफ मेल कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल कितने, एक कंपैरिजन स्टडी बिटवीन द मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन पिरामिड शोज द एज सेक्स स्ट्रक्चर।
इट ऑल्सो शोज द एज सेक्स स्ट्रक्चर इन द पिरामिड वी शो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन लाइक द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन इन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन द पॉपुलेशन पिरामिड फॉर्म्ड ऑन द शेप ऑफ ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर शेप में उसका पिरामिड बनता है और यह पिरामिड लार्ज पॉपुलेशन इन लोअर एज सेक्शन इसका मतलब अगर ये यहाँ पर वाइड है इसका मतलब ये है कि यहाँ जो यूथ पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है और लोअर एज ग्रुप वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पर बर्थ रेट इज़ वेरी हाई फॉर एग्ज़ाम्पल नाइजीरिया बांग्लादेश और मैक्सिको अगर इन कंट्रीज़ के पॉपुलेशन का हम एज सेक्स पिरामिड बनाएंगे तो वो एज सेक्स पिरामिड एक ट्राइंगुलर शेप में बनेगा और उसके पीछे एक रीजन है कि ट्राइंगुलर शेप में जैसे नीचे का पोर्शन वाइड होता है सेम वैसे ही यहाँ जो अर्लियर एज ग्रुप्स हैं चिल्ड्रंस हैं या लोअर एज ग्रुप्स हैं वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी आई बोथ साइड मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन द सेकेंड टाइप ऑफ पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन यहाँ पर ऊपर जाते ही पिरामिड नैरो होता जाता है इसका मतलब वहाँ एल्डर एज ग्रुप वाले जो हैं एल्डर एज वाले या एजिंग ग्रुप वहाँ पर बहुत ही कम है कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन में टेपर्ड टूवर्ड्स द टॉप टेपर का मतलब है वाइडन कि टॉप की तरफ वो वाइडन है और यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही इक्वल चलती हैं ना तो बर्थ रेट हाई है ना डेथ रेट लो है दोनों की रेट इक्वल चलती है और ये एक बेल शेप्ड पिरामिड बनता है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ वाइडर है और इक्वली है यहाँ पर ना पॉपुलेशन बर्थ रेट ज़्यादा है या डेथ रेट ऑस्ट्रेलिया इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन द थर्ड टाइप ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का मतलब है पॉपुलेशन कम होती जाती है लाइक द जापान जापान में जो पिरामिड बनेगा वो नैरो बेस तो कम होगा और टेपर्ड शो टेपर्ड टॉप है इसका मतलब तो इसका उल्टा होगा जो ट्राइंगुलर शेप है उसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ क्या कंक्लूजन निकलता है लो बर्थ एंड लो डेथ रेट एंड द पॉपुलेशन विल बी इंक्रीज विल बी जीरो एंड निगेटिव तो ये जो ईयर था 1995 वाले इस ग्रुप में जापान की जो पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल इसी तरह की पॉपुलेशन थी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन अर्थात पॉपुलेशन कम होती जा रही थी On the basis of place of residence of the population composition is divided into two categories, rural composition and urban composition. Rural means villages or village areas and urban means towns or city areas. So the population lives in villages or village areas that is called the rural population and lives in the urban areas, towns and cities that is called the urban population. So it is on the basis of the place of residence. लोग किस तरह के एरिया में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये दो कैटेगरी बनती हैं एक रूरल पॉपुलेशन और एक अर्बन पॉपुलेशन The village, India is the land of villages, अर्थात भारत गाँव का देश है और भारत की बात करें तो यहाँ की 70% population, 74% population lives in villages and 26% population lives in the towns and urban area. But last few decades, that trend is the changes. इस ट्रेंड में चेंज आया है कि अब जो रूरल पॉपुलेशन है वो 60% के समथिंग आ गई
और अर्बन पॉपुलेशन है वो 50% के समथिंग आ गई। इसके रीजन क्या है कि लग्जरियस लाइफ, जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अट्रैक्ट द पीपल टू माइग्रेंट फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अर्बन एरिया एंड इट द माइग्रेशन विल बी मे बी परमानेंटली और मे बी टेम्परेरी। हो सकता है टेम्परेरी हो सकता है परमानेंट हो, बट कुछ फैसिलिटीज हैं कि वो पीपल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, पुल फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं माइग्रेशन के, और इसलिए पॉपुलेशन है ये कंपोजिशन चेंज होता रहता है।